हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और आज से करीब डेढ़ महीने पहले 7 लोग एक साथ सेसना 206 में उड़ान भरा। उड़ान के तुरंत बाद अमेज़न के जंगलों में ये क्रैश हो गया। क्रैश में सभी बड़े लोग मारे गए और बच गए 4 बच्चे। पहला बच्चा महज 1 साल का था, वहीं दूसरा 4 साल का, तीसरा बच्चा 9 साल और चौथा 13 साल का था। इन मासूम बच्चों पर क्या बीती होगी, कैसे इन बच्चों ने विशालकाय जंगलों में जहरीले खोखार जानवरों से खुद को जिंदा रखा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अरारा क्वारा एयरपोर्ट कोलंबिया, 1 मई 2023, सेसना फ्लाइट 206 6 पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरने वाला था। इन 6 पैसेंजर्स में से 4 बच्चे, उनके माता पिता और एक पायलट थे। इन बच्चों की उम्र 13 साल, 9 साल, 4 साल और सबसे छोटा बच्चा महज 12 महीने का था। फाइनली ये प्लेन उड़ान भरा। इसे अमेज़न के जंगलों के ऊपर से होते हुए सेंजोफ एयरपोर्ट कोलंबिया जाना था। इस प्लेन के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि ये जंगलों के एरिया में दाखिल ना हो गया। कुछ ही देर में इस प्लेन का इंजन फेल हो गया। पायलट ने नजदीकी ATC को मेडे कॉल किया। उधर प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोता जा रहा था। सेसना के एयरक्राफ्ट में सिंगल इंजन लगा था, इट मींस बैकअप के लिए उसके पास कोई भी दूसरा इंजन नहीं था, इसीलिए इस प्लेन को क्रैश से बचा पाना इम्पॉसिबल हो गया। फाइनली ये प्लेन नोज के बल जंगल में क्रैश हो गया। एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। हादसे के बाद प्लेन में आग नहीं लगी, शायद ऊपर वाला किसी को बचाना चाह रहा था। तभी 1 साल का वो दूध पीता बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बेहोशी की हालत में बाकी सारे 3 बच्चे उठ गए। उन बच्चों ने देखा प्लेन जंगलों के बीच बुरी तरीके से टूट चुका है और उसके माता पिता जख्मी हालत में प्लेन के अंदर फंसे हुए थे। ये सब देखकर वो बच्चे बहुत डर गए। उन बच्चों ने कोशिश किया अपने माँ को उठाने की, पर घंटों गुजर गया लेकिन किसी ने भी आंखें नहीं खोली। 13 साल का बड़ा बच्चा थोड़ा समझदार हो चुका था। वो समझ चुका था कि सभी के सभी बड़े लोग मर चुके हैं, अब बाकी बच्चों का बोझ उसी के कंधे पर आ गया। उन्हें लग रहा था कि हमें बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, लेकिन शाम से रात हो गई पर उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। तभी अचानक से उसकी माँ की आंखें खुल गई। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन हादसे में वो काफी जख्मी हो चुकी थी। डरा सहमा सा चारों बच्चों ने किसी तरह से दुबक कर रात गुजार लिया। उस रात किसी को भी नींद नहीं आई। मच्छरों ने काट काट कर सबको परेशान कर रखा था। 2 मिनट भी किसी ने आराम नहीं किया। हादसे के अगले दिन चारों को तेज भूख लग गई। प्लेन में थोड़ा सा खाना बचा हुआ था, तीनों बच्चों ने खाना खा लिया। वहीं 12 महीने के बच्चे के लिए एक दूध का बोतल भी रखा हुआ था जो अभी तक सही सलामत थी। चारों बस इंतजार करते रहे कि अब कोई आएगा हमें बचाने के लिए। पर दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर से खौफनाक काली रात ने दस्तक दिया। उन चारों बच्चों की लाचार माँ घायल अवस्था में अपने बच्चों की मदद भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी रात भी वो सो ना सके। तीसरे दिन प्लेन में बचा सारा खाना भी खत्म हो चुका था। वहीं 1 साल के बच्चे के लिए दूध की बोतल भी खाली हो गई। चौथे दिन उन्हें समझ में आ गया कि अब हमें खाने की तलाश करनी पड़ेगी। इन 4 दिनों में बच्चों ने ना तो ठीक से खाना खाया और ना ही वो ठीक से सो सके। यही वजह है कि वो चारों बेहद कमजोर हो चुके थे। और उसी दिन उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। अब इन बच्चों को ये सफर अकेले ही तय करना था। हादसे के चौथे दिन दोनों डेड बॉडीज डिकम्पोज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से तेज बदबू भी आने लगी थी। फाइनली उन चारों ने क्रैश पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। लेकिन मासूम बच्चों को ये कहां पता था कि इस विशालकाय जंगल में नन्हे नन्हे पैरों से चलकर जंगल से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। 13 साल के बड़े भाई के शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो छोटी बच्ची को गोद में ले सके। फाइनली वो धीरे धीरे सारे बच्चे क्रैश साइट से दूर निकल गए। रास्ते में कुछ फूल पत्तियां खाते हुए बारिश का पानी पीकर वो दिन गुजारने लगे। घटना के करीब 7 दिन बाद मेडे कॉल आने के बाद पिछले 7 दिनों से रेस्क्यू टीम प्लेन को खोजने में लगे हुए थे। एक विशालकाय जंगल में जहां पेड़ इतने घने होते हैं कि धरती भी दिखाई नहीं देती, ऐसे में सेसना जैसे छोटे प्लेन को खोज पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन फाइनली रेस्क्यू टीम को घटना के 7 दिनों बाद प्लेन का मलबा मिल गया, जिसके अंदर पड़ी थी 3 डेड बॉडीज, पर उन बच्चों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। आसपास खाने पीने की चीजें पड़ी हुई थी। ये सब देखकर रेस्क्यू टीम को एक आइडिया लग रहा था कि शायद वो बच्चे जिंदा हैं। ऐसी जगहें जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल हो, वहां किसी भी इंसान को खोज पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जब तक आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता चल जाता कि वो किस डायरेक्शन में गए हैं, तब तक उसे चारों दिशाओं में खोजना पड़ेगा। ऐसे में अधिक समय और अधिक लोगों की जरूरत पड़ेगी खोजबीन के लिए। अब डायरेक्शन का पता लगाने के लिए सभी खोजी दल चारों दिशाओं में फैल गए। सबसे पहले उन्हें सबूत की तलाश करनी थी। जब तक सबूत ना मिले तब तक चारों दिशाओं में खोजा जा रहा था। करीब दो दिनों के सर्च के बावजूद भी कोई भी सबूत नहीं मिला। काफी खोजबीन के बाद बच्चों के पैरों के निशान मिले। ये एक सबूत था कि बच्चे अब भी जिंदा हैं। इसी तरह से करीब तीन दिन गुजर गया, यानी कि हादसे के 10 दिन, लेकिन फिर भी वो बच्चे नहीं मिले। खोजी दल अब पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उन बच्चों को खोजने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर एक दिन, दो दिन, पांच दिन, 10 दिन गुजर गया, पर फिर भी वो बच्चे नहीं मिले। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, उम्मीदें भी कम होती जा रही थी कि वो बच्चे सही सलामत भी है या नहीं। घटना के करीब 25 दिनों बाद फाइनली उन बच्चों का एक सुराग मिला। जंगल में एक छोटा सा हेयरबैंड मिला जो उन्हीं चारों बच्चों में से किसी एक का था। वहीं एक दूध की बोतल मिली जो उसी 12 महीने बच्चे की थी। अब खोजी दल को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। वो लगातार दिन रात जंगलों में खोजते जा रहे थे। अब लग रहा था वो बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रैश के करीब 40 दिनों बाद रेस्क्यू टीम को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। यहाँ पर उन बच्चों के पैरों के निशान भी थे। ये एक सबूत था कि 40 दिनों बाद भी वो बच्चे जिंदा है। अब सर्च अभियान को बहुत तेज कर दिया गया। उन्हें पता था कि अब हम बच्चों के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। फाइनली रेस्क्यू टीम ने उन चारों बच्चों को बेहद कमजोर हालत में खोज निकाला। घटना के 40 दिनों बाद पूरे कोलंबिया में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आज ये चारों बच्चे सही सलामत है। चार मासूम बच्चों ने किस तरह से खौफनाक जंगल से खुद को बचाए रखा, ये सोचने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खासकर उस दूध पीते बच्चे के लिए, वो मंजर कैसा होगा शायद इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन बच्चों का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये मुझे उन बच्चों के और उनके पेरेंट्स के कुछ फोटोज मिले हैं। सो गाइस, इस केस में छोटे छोटे सवाल आते हैं कि क्या इस प्लेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? दोस्तों, बेशक ट्रैक किया जा सकता है, बशर्ते प्लेन में सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम हो, लेकिन इसके लिए भी एयरलाइन कंपनी को चार्ज देना पड़ता है। अब क्योंकि नॉर्मली सेसना जैसे छोटे प्लेन्स कमर्शियली उतने प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पाता, और ऐसे छोटे प्लेन्स नॉर्मली फ्लाइंग स्कूल में पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए होता है, इसलिए ऐसे एडवांस और कॉस्टली सिस्टम इन प्लेन्स में नहीं होता। और वैसे भी अगर प्लेन में जीपीएस होता तब भी इसे खोज पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि अगर आपके फोन में जीपीएस है तो आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं, ना कि सैटेलाइट आपसे। अगर क्रैश से पहले पायलट ये बता भी देता है कि हम इस लोकेशन में हैं और लगातार हमारा प्लेन नीचे गिरता जा रहा है, तो ऐसे केस में भी प्लेन को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रैश होने से पहले प्लेन का लोकेशन कुछ और होता है और गिरते गिरते प्लेन ग्लाइड करते हुए कई किलोमीटर आगे निकल जाते हैं। ऐसे में प्लेन के एक्यूरेट क्रैश पॉइंट को खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिमोट एरिया में रडार सिस्टम भी प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एरिया उतना दूर नहीं होता। ऐसे एरियाज को हम डेड जोन के नाम से जानते हैं। यही कुछ कारण है जिसकी वजह से आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस प्लेन को खोजने में 7 दिनों का वक्त लग गया। नाउ यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जंगली जानवर खून को तेजी से सूंघ सकते हैं, और अमेजोन के जंगलों में बहुत सारे ऐसे जानवर मिल जाएंगे जो शिकार करके खाना खाते हैं। ऐसे में किसी भी जानवर ने उन बच्चों पर या उन डेड बॉडीज पर अटैक नहीं किया, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। दोस्तों, अमेजोन का जंगल एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, इसलिए इसकी संभावना कम हो जाती है कि जहां पर क्रैश हुआ वहां पर कोई जंगली जानवर हो, खासकर शिकारी जानवर। और अगर जानवर होता भी तो वो जानवर नॉर्मली इंसानों का शिकार नहीं करते। जानवर हमेशा खतरों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त ये प्लेन धरती से टकराया उस वक्त तेज आवाज जंगल में फैली होगी। अगर आसपास कोई जानवर भी होगा तो वो डर के भाग गया होगा। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि शिकारी जानवर खून को सूंघ तो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ खून की ही स्मेल आती है। प्लेन के टैंक में काफी मात्रा में फ्यूल भी था, फ्यूल में लीकेज भी हुई थी, और ये फ्यूल की गंध और भी तेज होती है। जरा सोचिए, अगर आपके खाने में केरोसिन मिला दिया जाए तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? वेल, जानवरों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ऑयल के स्मेल के कारण कोई भी जानवर उस पर अटैक करना नहीं चाहेगा। तो ये थी कुछ वजहें। फिलहाल इस छोटे से केस स्टडी में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।